तो कहीं ना कहीं सारे फेसबुक क्रिएटर का सपना है कि हम फेसबुक पर एड्स ऑन रील्स से पैसा कमाएं। लेकिन आपको इतना भी पता है कि जब तक आपका एड्स ऑन रील्स वाला फीचर्स इनेबल नहीं होता है, तब तक आप फेसबुक की एड्स ऑन रील्स के थ्रू पैसा नहीं कमा सकते। तो ये जो एड्स ऑन रील्स है, इसे मैं बाद में मैं आपको सिखाऊंगा कैसे आप इसे ऑन कर सकते हो। पहले मैं आप लोगों को बता दूं, मेरा एक मित्र है जिनके पास ऑलरेडी 3 पेज है। कुछ ही दिनों के अंदर उन्होंने एड्स ऑन रील्स के थ्रू अपना पेज को मोनेटाइज किया है। तो मैंने उनसे जस्ट कुछ ही देर पहले बात की है कि इसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि हम काम करते हैं फेसबुक पर, आप भी काम करते हो फेसबुक पर, बहुत ज्यादा मेहनत भी करते हो, लेकिन आपको ना हमें एड्स ऑन रील्स वाला फीचर्स हमें मिल रहा है। तो भाई आपने ऐसा क्या काम किए हो जिस वजह से आपको ऐसा 3 पेज में, तीनों पेज पर आपका एड्स ऑन रील्स चालू है, वो भी कॉपी पेस्ट करके। बात करें वो जो काम कर रहे हैं, सारे का सारे कॉपी पेस्ट करके आपने तीनों पेज पर एड्स ऑन रील्स वाला फीचर्स को इनेबल कर लिया है और पैसा भी बनाना चालू किया है जस्ट कुछ ही दिनों के अंदर। तो पहले मैं आप लोगों को दिखा दूं कि वो जो भाई हैं वो 3 पेज को कैसे मोनेटाइज किए हैं, वो भी एड्स ऑन रील्स से। उसे कैसे मिला एड्स ऑन रील्स वाला फीचर, तो उनसे जो भी चीज मैंने पूछा है वो सारा चीज मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले मैं आप लोगों को प्रूफ दिखा देता हूं कि भाई ने वाकई में काम किया है, वाकई में उन्हें मिला है कि नहीं मिला है, और इसका पैसा बनाना चालू हुआ है कि नहीं हुआ है, वो सारा चीज मैं आप लोगों को पहले दिखा देता हूं। यहां पर देखो ये क्या है, ये जो नया पेज है एक, इस पर बना है $0.99, मतलब $1 के आसपास ये बन गया है। ये जस्ट कुछ ही दिन पहले अपना पेज को एड्स ऑन रील से मोनेटाइज किया है। अब मैं आप लोगों को दिखा देता हूं इनके पेज में ले जाके इसका पेज का नाम क्या है। यहां पर देखो CCC ब्रांड, क्या है CCC ब्रांड है पेज का नाम। पेज में कैटेगरी भी एक बार चेकआउट कर सकते हो, गेमिंग वीडियो क्रिएटर, हालांकि गेमिंग वीडियोस अपलोड नहीं करते हैं। फिर मैं आपको यहाँ पर मोर में क्लिक करके, रील्स में क्लिक करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखो ये सारे का सारे क्या वीडियोस बना रहे हैं, रिएक्शन वीडियोस, रिएक्शन रील्स बना रहे हैं। मैं आप लोगों को ये रिएक्शन रील्स के ऊपर कितने सारे वीडियो बनाकर बता चुका हूँ कि भाई अगर आपने अभी तक शुरुआत नहीं किए हो फेसबुक पर काम करना, तो आपके लिए इससे बेहतर टॉपिक आपको मिल ही नहीं सकता। मैं आपको बता दूं रिएक्शन से बेहतर टॉपिक कॉपी पेस्ट के बारे में बात करें, कॉपी पेस्ट की दुनिया की बात करें, तो सबसे बेस्ट कैटेगरी है आपका रिएक्शन, जिसमें आपका उतना प्रॉब्लम नहीं होता है जितना आपने दूसरा कैटेगरी में काम करके कॉपी पेस्ट करके पैसा कमाने के बारे में सोचोगे। तो यहाँ पर देखो भाई ने मेरी बात को फॉलो करके यहाँ पर देखो इतने सारे व्यूज भी इकट्ठा कर रहे हैं, और उसके साथों साथ अपने पेज पर 19,000 फॉलोअर्स भी बना लिया है। कितना, 19,000 फॉलोअर्स भी बनाया है, और उसके साथों साथ एड्स ऑन रील से अपना पेज को मोनेटाइज भी किया है। ये तो रह गई एक पेज, अब मैं आपको दूसरा पेज दिखा दूं। दूसरा पेज का नाम है, ये क्या आपने पेज देखे हैं, CCC ब्रांड, लेकिन उस पेज का नाम है CCC ब्रांड। मैं आपको दिखा दूं, देखो इस पेज पर देखो यहाँ पर CCC ब्रांड, और उसके साथ मैंने थोड़ा सा डील अलग किए थे। तो यहाँ पर देखो मेरा बैनर में जो कि मेरा फोटो है, क्या है बैनर में मेरा फोटो है, क्योंकि उनसे बात हुआ था मेरा और उसका और मेरा कि हम दोनों ने मिलके काम करेंगे, तो मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, और वो अपना कैटेगरी में दूसरा वीडियो डालना चालू कर दिया, तो मैंने बोला कि भाई मैं नहीं कर सकता, इस तरह का वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वो अपनी रील्स पर जैसा वीडियोस अपलोड कर रहे हैं मेरे से नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर रील्स में जाते हैं। अब रील्स में जाने के बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी रिएक्शन वीडियोज ही अपलोड कर रहा है, और व्यूज भी अच्छा खासा कहीं ना कहीं मिलना चालू हो गया है। अब यहाँ पर देखो इतने तरीके से, पहले देखो इस तरह का वीडियो डालना चालू किया, तो मैंने सोचा कि भाई मैं नहीं करूँगा, लेकिन उससे पहले देखोगे तो मेरा कुछ वीडियोज है यहाँ पर, देखो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ये एक मेरा वीडियोज है, जैसे कि यहाँ पर देखो मैं आपको दिखा दूँ, ये एक मेरा वीडियोज है। अब मैं आपको और एक वीडियो है शायद मेरा, तो खैर जो भी हो, तो यहाँ पर मैंने उसके साथ काम करना चालू किए थे, बट उन्होंने थोड़ा सा अलग कैटेगरी में जाने लगा, तो मैंने उसको बोल दिया कि भाई ये मेरे से नहीं होगा, क्योंकि मैं इस तरह का टॉपिक पर काम नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि गंदा वीडियो डालना चालू कर दिया है, ठीक है 18+। अब इस पेज से अर्निंग की अगर बात करें, तो यहाँ पर देखो $186, कितना $2 के आसपास बन गया है। तो आगे सोचो कि ये जब यहाँ तक पहुँचा है कॉपी पेस्ट करके इस तरह का रिएक्शन वीडियोस डालकर, तो आपकी पेज पर ये एड्स ऑन रील्स वाला फीचर्स इनेबल क्यों नहीं हो रहा है। आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरा चीजें सिस्टम को समझाऊंगा। भाई ने जो बताया है जिस तरीके से वो अपनी पेज पर एड्स ऑन रील्स को चालू किए हैं, वो सारा सीक्रेट मैं आपको बताऊंगा। पहले आपको ये जानना जरूरी है कि फेसबुक का कहना क्या है। तो एड्स ऑन रील्स चालू करने के लिए फेसबुक का जो कंडीशन है, सबसे पहले आप
आपको ध्यान में रखना है कि आपके पेज पर कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू ना आए और उसके साथ साथ पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू भी ना आए। अगर ये दो चीज आता है तो पहले ही आप रिजेक्ट हो जाते हो एड्स ऑन रील्स के लिए। सबसे पहला ये दो चीज ध्यान में रखना है। और उसके साथ साथ आपको इतना तो जरूर पता है एड्स ऑन रील्स के बारे में कि एड्स ऑन रील्स वाला फीचर्स एक इनवाइटेड ओनली फीचर से, मतलब फेसबुक जब आपको इनवाइट करेगा तभी आपको मिलेगा, लेकिन इनवाइट कब करेगा ये चीज भी फेसबुक ने खुद बताया है। तो एड्स ऑन रील्स चालू करने के लिए फेसबुक का कंडीशन ये है, हमें समझ में आता है, लेकिन हम इस समय फेसबुक की बात बिल्कुल नहीं सुनेंगे। यहाँ तक सही है, लेकिन आगे और मैं नहीं सुनने वाला हूँ क्योंकि और भी कंडीशन है, वो सारा चीज मैं अभी नहीं सुनूंगा। अभी मैं जो चीज सुनने वाला हूँ, इस भाई ने जिस तरीके से अपना पेज को मोनेटाइज किए हैं एड्स ऑन रील से, इस भाई का हमें बात सुनना जरूरी है। तो भाई से मैंने पूछा कि भाई आपने कैसे किया, तो भाई ने ये की जवाब दिया। पहला जवाब उनका ये था कि आपका पेज का एज जो कि कम से कम एक महीना पुराना होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक महीना पुराना। अब यहाँ पर आपको समझना यह है कि एक महीना पुराना पेज हमें क्यों चाहिए। देखो, आज आपने पेज बनाया है तो आपको 30 दिन बाद उस पर काम करना चालू करो तो आपके लिए बेहतर है। अगर आपने सोचते हैं कि नहीं हम पहले से ही काम करना चालू करेंगे तो आप करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 30 दिन से पहले आपका एड्स ऑन रील्स से आपका पेज जो है मोनेटाइज नहीं होगा। मतलब एड्स ऑन रील्स से मोनेटाइज करने के लिए कम से कम एक पेज का एज की अगर बात करें तो वो 30 दिन पुराना होना चाहिए, एक महीना पुराना आपका पेज का एज होना चाहिए। अब मैंने पूछा ये तो सही है, ठीक है, हो गया। अब हमें किस तरह का वीडियोस अपलोड करना है, हमने पेज बनाया तो सबसे पहले हमें क्या लाइव आना जरूरी है? लाइव आकर हम फेसबुक को बता दे कि मैं एक ओरिजिनल क्रिएटर हूँ, ये बताना जरूरी है? तो भाई ने बोला कि नहीं, लाइव वाइव कोई मैटर नहीं करता जब आपने शुरुआत कर रहे हैं, लाइव तब जरूरत पड़ता है जब आपका पेज में कोई प्रॉब्लम आ जाता है। तो आप एक काम कर सकते हैं, जैसे कि आपने आज पेज पर काम करना चालू किया है, वीडियो या फिर रील्स अपलोड करना चालू किया हो, तो आप बीच बीच में 4-5 वीडियो डाले हो, बीच में एक बार लाइव आ जाओ, 10 वीडियो डाले हो, बीच में एक बार लाइव आ जाओ, तो फेसबुक को ये चीज रियलाइज हो जाएगा, फेसबुक को ये समझ में आ जाएगा ये एक ओरिजिनल क्रिएटर है। यहाँ पर आप कॉपी पेस्ट में काम कर सकते हो और अपना पेज को मोनेटाइज भी कर सकते हो एड्स ऑन रील्स के थ्रू, लेकिन यहाँ पर आपको कंटिन्यू आपको मेहनत करते रहना होगा, कंटिन्यू आपको काम करना होगा, तब जाके ये फीचर्स आपको देखने को मिलेगा। भाई को मैंने ये भी पूछा कि हमें कितना रील्स अपलोड करना हमारे पेज के लिए बेहतर होगा ताकि हमें ये एड्स ऑन रील्स वाला फीचर मिले, तो मैंने ये भी बताया है कि ये फीचर्स लेने के लिए, एड्स ऑन रील्स वाला फीचर्स लेने के लिए आपको दिन में कम से कम 3-4 रील्स अपलोड करना पड़ेगा। कितना? 3-4 रील्स आपको कंटिन्यू आपको अपलोड करना पड़ेगा एक महीना तक। मतलब समझ लो कि एक महीने में आपको 100 भी ज्यादा रील्स को अपलोड करना है। अगर आपने करने में सक्षम हो जाते हैं तो आपको ये एड्स ऑन रील्स वाला फीचर कभी भी आपको मिल सकता है। उससे पहले पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी के खिलाफ आपका वीडियोस नहीं होना चाहिए, कंटेंट मोनेटाइजेशन का जो पॉलिसी है उसके खिलाफ भी नहीं होना चाहिए। अगर सब कुछ सही होता है और अपने एकदम रॉन्ग रूट पर नहीं, सही रूट पर अगर चलते हैं तो आपको जो कि ये एड्स ऑन रील्स वाला फीचर आसानी से मिल सकता है। तो इतना भाई का कहना था। तो भाई ने मैं सारा चीज पूछा है भाई, और ये रियलिटी है जिस तरीके से बताया, ये सारा चीज रियलिटी है, ये फेसबुक का भी कहना है, लेकिन इन्होंने जिस तरीके से किया मैंने वही चीज पूछ के आप लोगों को बता दिया ताकि आप लोगों को समझ में आए कि एड्स ऑन रील्स वाला फीचर्स हमें कैसे ऑन करना होगा, कैसे हमें मिल जाएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया कि एड्स ऑन रील्स वाला फीचर आपको कैसे मिलेगा और आप कब जो कि एड्स ऑन रील्स से पैसा कमा पाओगे, ये सारा चीज मैं आपको बता दिया। अगर आपको इन्फॉर्मेशन सही लगता है, ये वाकई में इन्फॉर्मेशन सही है, आप मानो या ना मानो, हाँ ऐसा कुछ क्रिएटर के साथ हो जाता है कि वो कंटिन्यू अपना कंटेंट, खुद का कंटेंट अपलोड करते हैं, ना ही उसका कंटेंट वायरल होता है, ना ही उसका रील्स वायरल होता है, और ना ही उसे जाके एड्स ऑन रील्स वाला फीचर मिलता है। तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आपको टेंशन भी नहीं लेना है, आप काम करते रहो भाई, आपका जो मेहनत है वो मेहनत का रंग आपको एक दिन देखने को मिलेगा। बस आप रेगुलरिटी मेंटेन करके आप काम करते रहो, मिल जाएगा, पक्का मिल जाएगा, बस आपको काम करना होगा। तो एड्स ऑन से रिलेटेड सारे जानकारी अगर आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल में अगर पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि इस चैनल पर कुछ इस तरह का ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देते रहता हूँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, तब तक के लिए तो वेट आप भी कर लेना।